नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 1971 का एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में ऐसी कई लड़ाइयां थी जो नज़ीर बनी। हम इस वीडियो में 1971 के युद्ध से जुड़ी हुई एक कहानी आपको बताएंगे। ये कहानी है लोंगेवाला की। दोस्तों, बात सन 1971 की है जब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो रहा था। शायद ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को पसंद नहीं थी। भारत की सरकार और भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रही थी। तब पाकिस्तानी सरकार ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लोंगेवाला पोस्ट के रास्ते से देश के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की सोची और पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40-50 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ बढ़ा दिए। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 12वीं इन्फेंट्री डिवीज़न की 23 पंजाब कंपनी के मेजर कुलदीप सिंह सांदपुरी अपने 120 जवानों और 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm के 2 मार्टार, 4 रॉकेट लॉन्च, 2 आर्शियल गन के साथ सीमा पर तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 की रात को धर्मवीर रोहान की एक टीम पेट्रोलिंग पार्टी गश्त के लिए निकली। तभी अचानक पाकिस्तान की तरफ से ज़ोर ज़ोर से शोर सुनाई दिया। काफ़ी तेज़ी से गाड़ियां आती दिखाई दी। ये सब देखकर इस दौरान आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी और देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला की तरफ आ रहे हैं और धर्मवीर भान ने मेजर शांतपुरी को बताया। शांतपुरी ने मुख्यालय सूचना दी और हेडक्वार्टर ने कहा कि ये लड़ाई आपको खुद ही करनी होगी। सुबह होने पर वायुसेना मदद के लिए आएगी, तब तक और बैकअप भी भेजा जाएगा। इधर रात 12:30 बजे तक पाकिस्तान ने आर्टिलरी गोले दागने शुरू कर दिए थे। आगे की तरफ 45 टैंक आ रहे थे। इसी जल्दबाजी में भारतीय जवानों ने बारूदी सुरंगें लगाई और समय कम होने की हड़बड़ी में एक जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और वो शहीद हो गए। इन सुरंगों से पाकिस्तानियों के 2 टैंक और जीप पर सवार 106 mm के आर्शियल राइफल पूरी तरह बर्बाद हो गए और एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया और कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। इसके बाद शांतपुरी ने PIATS से टैंकों पर हमला निशाना साधना शुरू किया। इस राइफल की मदद से शांतपुरी और उनके साथियों ने कई टैंकों पर हमला किया और कई जवान मारे गए। शांतपुरी के जवानों ने कम समय में ही बेहतर पोजीशन ले ली थी, इसीलिए पाकिस्तानी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतने खुले रेगिस्तान में चारों तरफ से गोलियां कैसे बरस रही है। हर तरफ से हमले हो रहे थे। 20-20 में मेजर कुलदीप सिंह शांतपुरी बटालियन हेडक्वार्टर को वायरलेस पर सूचना देते रहते थे। रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों के बल पर 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा रखी थी। अगली सुबह भारतीय वायुसेना ने मारुत और हावकर हंटर विमान से विंग कमांडर MS बावा, RS कौसा जी और शेरविन तुली ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। मानो पाकिस्तान के लिए आसमान से आग के गोले बरसने लगे। भारतीय वायुसेना के हमलों से पाकिस्तानी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। थोड़ा पीछे जाते, छिप जाते, आराम करते और फिर हमला करने चले आते। लेकिन भारतीय जवानों का हौसला कमज़ोर नहीं पड़ा। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने जवानों और लड़ाकू विमानों ने 3 दिनों तक ताबड़तोड़ फायरिंग करके पाकिस्तान की बैंड बजा दी। पाकिस्तानियों को उम्मीद तक नहीं थी कि उन्हें इतनी भयानक हार मिलेगी, जबकि वो अचानक आए थे
उनकी तैयारी भी ज़्यादा थी। पाकिस्तानियों को मात दी कुलदीप सिंह सांदपुरी की प्लानिंग ने। मेजर सांदपुरी ने ऊंचे रेत के धोरों पर अपने छोटे छोटे पिकेट्स बनाए ताकि दूर तक देखा जा सके और ज़्यादा दूर तक हमला किया जा सके, और पोस्ट के चारों तरफ कंटीले तार लगा दिए। अपने पोस्ट के दो तरफ मीडियम गन तैनात कराई और दूसरी दो तरफ मोर्टार तैनात कराए। बीस में जीप पर लगे आरसीएल गन को तैनात किया। चांदपुरी ने 20 बहादुर और तेज तरार जवानों की टीम को बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग के लिए सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के साथ भेजा। इसी पेट्रोलिंग की वजह से पता चला था कि रात में पाकिस्तानियों ने टैंक के साथ हमला किया था। 3 दिन तक चले इस युद्ध में महाभारती के 2 जवान शहीद हुए और 1 एंटी टैंक गन पूरी तरह बर्बाद हुई। 5 ऊँट मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। उनके 50 में से 36 टैंक पूरी तरह बर्बाद हुए। पाकिस्तानियों की 500 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश को एक युद्ध में अपने टैंक गंवाने पड़े। हालांकि पाकिस्तानियों ने हमेशा से भारतीय जवानों की ताकत, बुद्धिमत्ता और क्षमता को कम माना है। अब तक 4 बार सीधे सीधे युद्ध किया है, लेकिन वे सारे हमेशा हारे हैं। इस युद्ध के ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ इंपीरियल द जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल आरएम करवर लोंगे वाला पहुँचे थे और मेजर कुलदीप सिंह सांदपुरी से मिलकर उनसे इस युद्ध की बारीकियों को समझा था। ये एक इकलौता युद्ध था जिस पर सन 1997 में बेहद मशहूर फिल्म बॉर्डर बनी थी।